हेलो एवरीवन वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड सो बच्चों अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास सेवेंथ इंग्लिश का सेवन चैप्टर विच इज चांदनी सो वंस अपॉन टाइम एक बार की बात है देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोरा अल्मोरा एक जगह है उत्तराखंड में एक हिली एरिया है तो वहां पर एक बूढ़े आदमी रहते थे ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अबू खान लोग उनको अबू खान के नाम से जानते थे ही lived ऑल अलोन वो बिल्कुल अकेले रहते थे एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू goats. उनके पास सिर्फ कुछ बकरियाँ थी विच ही ऑलवेज kept एज पेट्स जिनको वो एज पेट्स रखते थे ही गेव his goats फनी नेम्स उन्होंने अपनी बकरियों को कुछ फ़नी नाम भी दिए हुए थे जैसे कि कलुआ मूंगिया और गुजरी ही वुड टेक them आउट फॉर ग्रेजिंग ड्यूरिंग द डे दिन में वो उनको ग्रेजिंग के लिए चराने के लिए बाहर लेकर जाते थे एंड टॉक टू देम और उनसे बातें करते थे एज वन टॉक्स टू वन ओन चिल्ड्रन जैसे कि कोई खुद के बच्चों से बातें करता है एट नाइट रात में ही वुड ब्रिंग दैम बैक टू हिस्सिल हर्ट वो अपनी छोटी सी झोपड़ी में उनको वापस लेकर आते थे एंड पुट अस्ट्रिंग अराउंड द नेक ऑफ ईच गोट और हर एक बकरी के नेक के चारों तरफ एक रस्सी बांध देते थे पुअर अबू खान बेचारे अब्बू खान वॉज लिटिल अनलकी वो थोड़े से अनलकी थे उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी इन द मैटर ऑफ हिस गोट्स उनकी बकरियों के मामले में वेरी ऑफन अक्सर एट नाइट रात में वन ऑफ द गोड्स वुड पुल एंड पुल एट द स्ट्रिंग एक बकरी क्या करती थी अक्सर सभी बकरियों में से कोई बकरी अपने नेक पर जो रस्सी है उसको पुल करेगी खींचेगी जब तक कि वो ब्रोक लूज वो टूट ना जाए एंड देन वुड डिसअपियर इन हिल्स बियॉन्ड और फिर दूर जो पहाड़ियाँ थीं उनमें वो चली जाती थी गायब हो जाती थी गोट्स इन हिली रीजन्स hate बींग टाइट टू ट्रीज और पोल्स हिली रीजन्स में जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें बकरियों को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उन्हें बांध कर रखे किसी ट्री या फिर पोल से दे लव their फ्रीडम उनको उनकी फ्रीडम उनकी आज़ादी बहुत पसंद होती है अबू खान्स गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड अबू खान की जो बकरियाँ थीं वो सबसे अच्छी ब्रीड नस्ल की थी दे टू लव देयर फ्रीडम और उनको भी उनकी फ्रीडम बहुत पसंद थी सो वेन एवर दे गॉट द चांस तो जब भी उनको चांस मिलता दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाय एन ओल्ड वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स तो जब भी उनको चांस मिलता वो वहां से भाग जाती थी और हिल्स में क्या होता था एक ओल्ड वुल्फ एक भेड़िया रहता था जो कि उनको खा जाता था वेनएवर वन ऑफ हिज गोड्स डिस जब भी अबू खान की कोई गोट ऐसे डिसअपियर होती गायब होती अबू खान वॉज वेरी सैड अबू खान बहुत सैड होते थे बहुत दुखी होते थे ही did नॉट अंडरस्टैंड उनको ये समझ नहीं आता था बाय इवन द जूसीएस्ट ग्रास कि इतना जूसीएस्ट रस से भरा हुआ घास और ग्रेन्स जो अनाज वो उनको देता है खाने के लिए दैट ही गेव दम एंड ऑल द लव दैट ही शावर्ड ऑन देम और इतना प्यार वो सभी बकरियों को करता है वुड नॉट स्टॉप दीज अनफॉर्चुनेट गोट्स ये सब चीज़ें भी उन अनफॉर्चुनेट जो बेचारी बकरियाँ हैं उनको नहीं रोक पाता फ्रॉम रनिंग स्ट्रेट इन टू द जॉज ऑफ डेथ और वो सीधे जाके जो मौत है उसके मुंह में चली जाती है आर दीज गोट्स मैड ही वंडर्ड तो कभी कभी वो हैरान होते थे कि क्या ये सारी गोट्स मैड हैं और वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम या फिर ये इनके फ्रीडम के प्रति इनका लव है बट फ्रीडम मीन स्ट्रगल फ्रीडम का क्या मतलब है स्ट्रगल आपको संघर्ष करना होगा हार्डशिप मुश्किलें आएंगी एंड इवन डेथ और डेथ भी आपकी हो सकती है अबू खान कु द मिस्ट्री अबू खान इस मिस्ट्री को इस रहस्य को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे वन डे वेन ऑल हिज गोट्स हैड लेफ्ट हिम एक दिन जब सभी गोट्स उनको छोड़कर चली गई अबू खान सेट टू हिमसेल्फ तो अबू खान ने खुद से कहा नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन कि अभी और गोट्स मैं अपने घर में बकरियाँ अपने घर में नहीं लेकर आऊँगा आई मे येट लिव फॉर अ फ्यू मोर ईयर्स मैं हो सकता है कुछ साल और जीऊँ बट आई विल लिव विदाउट गोड्स लेकिन मैं बकरियों के बिना ही जी लूँगा हाउ एवर जबकि द पुअर ओल्ड मैन वॉज टेरिबली लोनली बेचारा जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत ज़्यादा अकेला था ही सिंपली कूडन डू विदाउट हिस्स पेट्स वो अपने पेट्स के बिना बकरियों के बिना जिंदा नहीं रह सकता था वेरी सुन बहुत जल्द ही बॉट अ यंग गोट वो एक छोटी गोट बकरी खरीद कर ले आते हैं बकरी का बच्चा ही थॉट वो सोचते हैं अंग गोट विल स्टे विद मी मच लॉन्गर ये यंग गोट है छोटी है तो ये मेरे साथ ज्यादा लंबे टाइम तक रहेगी जब तक वो बड़ी होगी शी विल सुन बिगिन टू लव मी एज वेल एज द फूड आई गिव हर एवरी डे जल्दी ही ये मुझसे प्यार करने लगेगी और जो खाना मैं इसको देता हूँ उससे भी शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू हिल्स और फिर वो कभी भी हिल्स पर वहाँ पहाड़ियों पर जाना नहीं चाहेगी एंड ही लाव्ड विद जॉय और ये सोचकर वो खुशी से हंसने लगते हैं द न्यू गोट वॉज वेरी प्रिटी ये जो नई बकरी थी ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी शी वॉज वाइट एज स्नो बिल्कुल बर्फ के जैसी सफ़ेद एंड हैड टू लिटिल हॉर्न्स दो उसके सीन थे ऑन हर लिटिल हेड उसके छोटे से सर के ऊपर एंड अ पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आइज और उसकी चमकती हुई दो आँखें शी हैड अ फ्रेंडली टेम्परामेंट उसका स्वभाव बहुत ही फ्रेंडली बहुत ही दोस्ताना था एंड वुड लिसन टू अबू खान स्टेल्स और वो अबू खान की कहानियां सुनती थी विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट बहुत इंटरेस्ट के साथ एंड अफेक्शन बहुत लगाव के साथ अबू खान कॉल्ड हर चांदनी अबू खान ने उसका नाम रखा चांदनी विच मीन्स मून लाइट जिसका मतलब है मून लाइट ही लव चांदनी वो चांदनी को बहुत प्यार करते थे एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल फ्रेंड्स ऑल हिज फ्रेंड्स हु वर डेड एंड गॉन और वो उनको उसको कहानियाँ सुनाए करते थे उसके दोस्तों की जो कि वहाँ से चले गए और हिल्स में उधर जाकर वो मर गए सेवरल ईयर्स पास्ट कुछ साल ऐसे ही बीते चांदनी बॉस स्टिल देयर चांदनी अभी भी वहाँ थी अबू खान बिलीव्ड अब अबू खान को यह विश्वास हो गया दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड चांदनी कभी भी उनके कंपाउंड को उसको हट को छोड़कर नहीं जाएगी फॉर फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड ऑन हिल्स के उस तरफ जो फ्री और फ्रेश एयर है उसके लिए वो कभी भी उसके कंपाउंड को नहीं छोड़ेगी बट सैडली ही वॉज मिस्टेकन अगेन वो फिर से गलती कर रहे थे एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच्ड द हिल टॉप्स बेथ इन सनलाइट हर सुबह चांदनी जो हिल टॉप्स थे जो पहाड़ियों की चोटियाँ थी उनको देखती थी जो कि सनलाइट से सूरज की धूप से बिल्कुल नहाई हुई लगती थी हाउ ब्यूटिफुलज हिल्स आर शीत वो सोचती थी कि ये हिल्स पहाड़ियाँ कितनी सुंदर है हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू देम इनसे जो हवा बहती है वो कितनी रिफ्रेशिंग होगी एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स और उन ग्रीन फील्ड्स के अक्रॉस रन करना कितना लवली होगा शी रन टूवर्ड्स द हिल्स वो हिल्स की तरफ दौड़ना शुरू करती है बट हैड टू स्टॉप विद द जर्क लेकिन एक झटके के साथ उसको रुकना पड़ता है द रोप राउंड हर नेक वुडेंट लेट हर गो एनी फर्दर उसके गले के चारों तरफ जो रस्सी बंधी हुई थी वो उसको और आगे नहीं जाने दे रही थी हाउ शी हेटेड दैट रोप वो उस रोप को कितना नफरत करने लगी थी She stopped eating the green grass Abu Khan brought for him. Abu खान उसके लिए जो ग्रीन ग्रास लेकर आते थे उसने उसको खाना बंद कर दिया Nor did she listen to his stories with interest and affection. ना ही वो उतने इंटरेस्ट के साथ अफेक्शन के साथ अभी अबू खान की स्टोरी सुनती थी She lost her appetite. उसने उसकी भूख उसको भूख लगना बिल्कुल बंद हो गया Grew very thin. बहुत वीक कमज़ोर वो हो गई And started and stared. Stared मतलब देखना मूडली uh, उदास होकर एट द हिल टॉप्स तो वो हिल टॉप्स को ही देखती रहती थी बेड इन सनलाइट जो कि सनलाइट से ढके रहते थे अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीस एंग्विश एंग्विश मतलब उसका जो पेन था दुख था अबू खान उसको समझ नहीं पा रहे थे एट लास्ट आखिरकार शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रेंकली चांदनी ने डिसाइड किया कि वो फ्रेंकली बात करेगी अबू खान से डियर अबू खान शी सेड लेट मी गो टू दिल्स प्लीज उसने कहा कि मुझे वहाँ पहाड़ियों पर जाने दो इफ आई स्टे इन योर कंपाउंड अगर मैं और तुम्हारे कंपाउंड में रही आई विल डाई तो मैं मर जाऊँगी ना अबू खान अंडरस्टूड चादनीज़ प्रॉब्लम अभी अबू खान को चांदनी की प्रॉब्लम समझ में आ गई बट इट मेड हिम वेरी अनहेप्पी लेकिन ये सुनकर वो बहुत ही दुखी हुए दी अर्दन पॉट विच कंटेन्ड चाँदनीज़ ब्रेकफास्ट वो चांदनी का ब्रेकफास्ट लेकर आए थे एक अर्दन मिट्टी के पॉट में बर्तन में फेल फ्रॉम हिज हैंड्स वो उनके हाथों से गिर गया एंड ब्रोक इन टू अ था और हजारों उसके पीसेज हो गए वाई डू यू वॉन्ट टू लीव मी चांदनी अबू खान आस्ट अबू खान ने पूछा कि तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती हो आई वॉन्ट टू गो टू दिल्स चांदनी आंसर्ड मुझे हिल्स पर जाना है डोंट यू लाइक द फूड क्या तुम्हें यहाँ पर खाना नहीं पसंद आया I will give you tastier food मैं तुम्हें और ज्यादा tasty खाना दूँगा and a much longer rope और एक और ज्यादा लंबी रस्सी No thank you let me go to the hills नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मुझे सिर्फ तुम hills पर जाने दो Do you realize the risk you are running क्या तुम जानती हो uh, कि कितना risk है अगर तुम यहाँ से चली जाती हो You obstinate obstinate का मतलब होता है जिद्दी creature देर इज अ डेंजरस वुल्फ इन दिल्स वहां हिल्स में एक डेंजरस वी विल ईट यू अप वो तुम्हें खा लेगा अबू खान बेस्ट टू वॉर्न हिम अबू खान ने उसको वॉन करने के लिए आ, मतलब बेस्ट ट्राई किया अपना चांदनी आंसर चांदनी ने कहा गॉड हेज गिवन मी अफॉन्स गॉड ने मुझे दो सीन दिए हैं आई फाइट दुल्फ मैं वुल्फ से फाइट कर लूंगी फाइट दुल्फ इन डीड Uh, तुम वुल्फ से लड़ाई करोगी ज़रूर हैव यू फॉर गॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कालुआ क्या तुम अपनी बहन कालुआ की कहानी भूल गई हु वॉज द साइज ऑफ अ बिग डियर जो कि एक बड़े डियर हिरन जितने साइज़ की थी शी फॉट द वुल्फ थ्रू द नाइट वो पूरी रात उस वुल्फ से लड़ती रही बट वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग लेकिन सुबह मारी गई अबू खान नरेटेड कालवाज स्टोरी फॉर द फिफ्टीन टाइम अबू खान फिफ्टीन पंद्रहवीं बार उसे कालुआ की कहानी सुना रहे थे टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से और इन सब चीजों के लिए चांदनी के पास सिर्फ एक ही चीज़ थी कहने के लिए आई वॉन्ट टू गो टू दिल्स वो बस इतना ही कह रही थी कि मुझे वहाँ पहाड़ियों पर जाना है अबू खान गॉट वेरी अनॉयड अभी अबू खान बहुत नाराज हो गए ही थंडर्ड वो थंडर मतलब ऐसे गरजना होता है बट मतलब वो जोर से चिल्ला कर बोले यू आर नॉट गोइंग एनी वेयर तुम कहीं नहीं जा रही हो फ्रॉम टूडे आज के बाद यू विल लिव इन अ स्मॉल हट तुम एक छोटी सी हट में रहोगी एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कम्पाउंड और कंपाउंड में फ्रीली नहीं घूमूंगी अनग्रेटफुल अनग्रेटफुल मतलब थैंकलेस जो किसी का एहसान ना मानता हो एज़ यू आर तुम बहुत अनग्रेटफुल हो यू मस्ट स्टिल बी सेव फ्राम द बुल्फ लेकिन फिर भी मैं तुम्हें उस बुल्फ से बचाऊंगा ही पुश्ड हर इंटू अ स्मॉल हर्ट वो उसको एक स्मॉल हट में पुश करते हैं एंड शर्ट द डोर दरवाजे को बंद कर देते हैं बट ही फॉर गॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट दैक लेकिन वहां पीछे एक छोटी सी विंडो थी उसको वो बंद करना भूल जाते हैं द सेम नाइट उसी रात चांदनी मेड दिंडो हर पैसेज टू फ्रीडम चांदनी उसी विंडो को अपना एक पैसेज रास्ता बनाती है उसकी फ्रीडम की तरफ नाउ चांदनी रीच द हिल्स चांदनी हिल्स में पहाड़ियों में पहुंचती है इट सीम टू हर उसको ऐसा लग रहा था दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन अ रो टू वेलकम हर कि वो सभी जो हिल्स हैं वो रो में हैं और उसको वेलकम कर रही है शी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयरस ऑफ सेपरेशन उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई बच्चा कई सालों के सेपरेशन के बिछड़ने के बाद अपने पेरेंट्स से मिलता हो वेर एवर शी वेंट जहाँ पर भी वो जाती द टॉल ग्रास रोज टू इम्रेसर टॉल ग्रास जो है वो uh, एकदम से उसको इम्ब्रेस जैसे गले उसको लगा रहे हो ऐसा उसको लग रहा था द फ्लावर्स ब्लूम्ड फ्लावर्स खिल रहे थे टू अम्यूज हर उसको खुश करने के लिए एंड द विंड सेंग एंड एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम और जो हवा थी वो एक गाना गा रही थी उसको वेलकम करने के लिए हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज ये कितना अलग था फ्रॉम हर पास्ट इन द प्रिजन हाउस ऑफ अबू खानस कंपाउंड उसका अबू खान के कंपाउंड में जो उसका प्रिजन जैसा जेल जैसा घर था उससे ये सब कितना अलग था इट वॉज़ द happiest डे इन चांदीज लाइफ ये चांदनी की लाइफ का सबसे हैप्पीस्ट खुशी वाला दिन था दैट डे शी प्लेड फॉर on ऑन द ग्रासी of ऑफ hill. हिल का जो स्लोप था जिसके ऊपर घास उगी हुई थी उस दिन वो कई घंटों तक उस पर खेलती रही शी मेट अ हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट्स उसको वाइल्ड गोट्स का जंगली जो बकरियाँ थी उनका एक झुंड भी मिला हु her? जिन्होंने उससे कहा टू जॉइन देयर ग्रुप कि तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज्ड लेकिन उसने बहुत पोलाइट तरीके से मना कर दिया शी वांटेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय Herself वो अपनी ये जो नई नई उसको फ्रीडम आजादी मिली थी इसको एंजॉय करना चाहती थी द सन डिसअपीर्ड बिहाइंड द हिल्स सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप जाता है एंड सून डार्कनेस एनveloped द ग्रास द फ्लावर्स एंड द ट्रीज और जल्दी ही अंधेरा ढक लेता है घास को फ्लावर्स को ट्रीज़ को द wind स्टॉप ब्लोइंग हवा बहना बंद कर देती है एंड there वॉज स्टिलनेस ऑल अराउंड चारों तरफ बिल्कुल शांति थी एक्सेप्ट फॉर अ स्ट्रेंज साउंड सिर्फ वहाँ पर एक स्ट्रेंज अजीब सी साउंड आवाज आ रही थी विच वॉज कमिंग from द bushes जो कि झाड़ियों से आ रही थी द साउंड वॉज लाइक अ ग्रंट वो साउंड एक तरीके से गुर्रानी जैसी ग्रंट की साउंड थी वॉट वॉज इट ये क्या है इट वॉज एंड अबू खानस वॉइस या अब्बू खान की आवाज़ तो नहीं है कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड जो कि उसको वापस कंपाउंड में बुला रहे हैं नोट वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर गोट ना ही किसी दूसरी बकरी की आवाज़ है देन चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वुल्फ़ फिर चांदनी को उस डेंजरस खतरनाक वुल्फ की याद आती है जिसके बारे में अबू ख़ान ने बताया था हु लिव्ड इन हिल्स जो कि हिल्स में रहती है रहता है एंड शी फेल्ट स्केर्ड और ये सोचकर उसको डर लगने लगता है शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान सट क्या वो वापिस चली जाए अबू खान की जो झोपड़ी जो है उसकी सेफ्टी में वहाँ पर सुरक्षित वो रहेगी नो शी सेट टू हर सेल्फ वो अपने आप को कहती है नहीं डेथ इन एंड ओपन फील्ड इज फार बेटर दैन लाइफ इन अ स्मॉल हर्ट इस सेंटेंस के ऊपर क्वेश्चन भी है चैप्टर में तो वो कहती है कि एक ओपन फील्ड में डेथ मरना ज्यादा बेटर है उस स्मॉल हट में जिंदा रहने के द वल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेज अभी वुल्फ जो है वो बुशेज से झाड़ियों से बाहर आ जाता है एंड वॉज स्टेयरिंग ग्रीनली एट चांदनी और वो चांदनी को स्टेयर कर रहा था घूर रहा था ग्रीनडली लालच से मतलब ऑब्वियसली वो उसको खाना चाहता था हिज आइज वर शाइनिंग उसकी आंखें चमक रही थी लाइक बर्निंग कोल्स जैसे कोयला बर्न हो रहा हो जल रहा हो इन द डार्कनेस उस अंधेरे में ही सीम्ड इन नो हरी वो बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था ही न्यू दैट द न्यू गोड बॉज हिज वो जानता था कि ये जो नई बकरी है ये उसी को मिलने वाली है वो इसको खा लेगा द वुल्फ एंड द गोट साइजड अप ईच अदर साइज अप मतलब एक दूसरे को देखना ये डिसाइड करना कि हमें कैसे एक्ट करना है तो वुल्फ ने और गोट ने एक दूसरे को देखा द वुल्फ वॉज बिग वुल्फ बहुत बड़ा था एंड फेरोशियस फेरोशियस मतलब बहुत वायलेंट क्रूअल भयानक दिख रहा था जबकि जो गोट थी दो हेल्दी हालांकि वो हेल्दी थी वॉज स्मॉल लेकिन छोटी थी बट स्मॉल इज नॉट वीक लेकिन स्मॉल का मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर थी चांदनी टूड फॉर्म ऑन हर लेग्स चांदनी अपने पैरों पर बिल्कुल फॉर्मली खड़ी हुई थी हेड स्लाइटली बेंड सर थोड़ा सा झुका हुआ था एंड हॉर्न्स जटिंग आउट और उसके जो सींग थे वो बाहर की तरफ निकले हुए थे शी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज वो बिल्कुल करेज की हिम्मत की एक पिक्चर जैसी लग रही थी शी लुक लाइक अ ब्रेव सोल्जर वो बिल्कुल एक ब्रेव सोल्जर सिपाही के जैसे दिखाई दे रही थी जो कि रेडी था टू फाइट अ ट्रेचरस एनिमी ट्रेचरस का मतलब बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबली डेंजरस डेंजरस है और आपको पता भी नहीं कि उसका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट मुझे अच्छे से फाइट करना है चांदनी सोचती है सक्सेस और फेलियर इज अ मैटर ऑफ लक और चांस सक्सेस और फेलियर तो एक लक की बात है लेकिन मैं अच्छी फाइट दूंगी इस वुल्फ को द फाइट बिगैन फाइट शुरू होती है इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट वो पूरी रात चलती द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट मून जो कि उस फाइट को लड़ाई को देख रहा था बिगैन टू ग्रो पेल मतलब उसकी शाइनिंग थोड़ी सी कम होने लगती है वो पीला होने लगता है एंड सडनली हिट बिहाइंड द क्लाउड्स और फिर क्लाउड्स के पीछे छिप जाता है द स्टार्स ऑल्सो बिगैन टू डिसअपियर वन बाई वन एक करके स्टार्स तारे भी डिसअपियर होने लगते हैं अ फेंट लाइट appeared इन द ईस्ट ईस्ट में जिधर से सनराइज होता है वहाँ से एक फेंट हल्की सी लाइट अपीयर होने लगती है एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम फ्रॉम अ डिस्टेंट मॉस्क दूर कहीं किसी मॉस्क मस्जिद से सुबह की अजान की आवाज़ आती है द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सूरज की जो पहली किरण थी वो चांदनी को देखती है एंड शी वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड वो ग्राउंड के ऊपर पड़ी हुई थी एंड शी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड पूरे तरीके से खून में सोक्ड थी द वुल्फ जो वुल्फ था टायर्ड एंड स्लीपी वो बहुत ही थका हुआ लग रहा था स्लीपी लग रहा था जैसे क्योंकि पूरी रात सोया नहीं वॉज गेटिंग रेडी टू तो डिवाउड हर डिवाउ का मतलब होता है हंग्रीली जब बहुत भूख आपको लगी और खाने के लिए आप तैयार हो तो वो तैयार था उसको खाने के लिए एंड असेंबली ऑफ़ बर्ड्स पर्स्ट ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री पेड़ के ऊपर पर्च मतलब बैठी हुई थी बर्ड्स की एक असेंबली बहुत सारी बर्ड्स वहाँ पर बैठी हुई थी नियर बाय पास में ही वॉज डिबेटिंग और वो डिबेट कर रही थी द रिजल्ट ऑफ द फाइट कि इस फाइट का रिजल्ट क्या रहा हु इज द विनर विनर कौन है वन ऑफ द मास्ट उनमें से एक ने पूछा द वुल्फ ऑफकोर्स ऑफकोर्स वुल्फ ही विनर है क्योंकि वो जीत गई जो चांदनी है वो मर गई मोस्ट ऑफ देम सेट उनमें से ज़्यादातर ने कहा अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विथ कॉन्फिडेंस तभी वहाँ पर एक वॉइस ओल्ड बर्ड थी वो क्लेम करती है बहुत कॉन्फिडेंस के साथ दैट चांदनी इज द विनर कि चांदनी विनर है हालांकि वो वीक थी साइज में स्मॉल थी वुल्फ के कंपेरिजन में बट उसने गिव अप नहीं किया अपनी जितनी भी करेज थी उसको गैदर किया और एक ब्रेव फाइट दी वो चाहती तो बैटल फील्ड को छोड़कर जा सकती थी लाइक ए कावर्ड बट शी फॉट फॉर हर फ्रीडम ओके सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर है जिसको जकििर हुसैन ने लिखा है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ओके okay.